इसराइल के उड़े होश, ईरान के पास परमाणु पावर। भले ही हमास चीफ हानिया को मारकर इसराइल ने हमास की कमर तोड़ दी हो, भले ही हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुकर को मारकर इसराइल ने अपनी लड़ाकू क्षमता साबित कर दी हो, लेकिन अब इसराइल का पाला ईरान से पड़ा है, जिसने इस बार ईरान पर ऐसा पलटवार करने का वॉर प्लान तैयार किया है कि इसराइल और अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और पुतिन ने ईरान को जंग करने के लिए परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भेज दी हैं। खबर है कि रूस ने अपने लड़ाकू परिवहन विमान से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का विनाश कोई नहीं रोक सकता। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु तेहरान में जिस वक्त ईरान की आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इसराइल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेल कर दिया है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक गुप्त मीटिंग हुई है, जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने आईआरजीसी के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान 1L76 ने रूस से उड़ान भरी, जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइलें इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मर्मस्क BNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इसराइल में घुसकर कभी भी हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मर्मस्क BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इसराइल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगी। We are looking on this Iranian network that plot a deadly explosive inside Israel. And we will act against the Iranian terror wherever it is. We will not get any Iranian explosive devices here and not do anything. We will act determinedly against the Iranian terror wherever it is. अब सवाल उठता है कि रूस ने इतना बड़ा जोखिम लेकर ईरान को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें क्यों दे दी? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान ने अपने देश को वजूद पर रखकर यूक्रेन युद्ध में रूस की जबरदस्त सैन्य मदद की है। जंग में ईरान रूस की 900 दिनों से मदद कर रहा है। अब तक ईरान रूस को हजारों रॉकेट, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, जिसमें शाहिद और मुहाजिर सीरीज के ड्रोन भी शामिल हैं। रूस को ईरानी हथियारों से यूक्रेन को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिली। यहां तक कि नेटो और अमेरिका के हथियारों को भी रूस ने ईरानी हथियारों से उड़ाया। लेकिन अब ईरान की राजधानी में जिस तरह से हमास चीफ हानिया को मारा गया है, तो रूस ने ईरान की जमकर मदद करने का वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए रूस के हथियार कैसे ईरान के लिए ब्रह्मास्त्र बनने जा रहे हैं। इसराइल के उड़े होश, ईरान के पास परमाणु पावर। ईरान की मिसाइल जरूरतों के मद्देनजर उसे रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दी हैं। ईरान को इसराइल तक पहुंचने के लिए लगभग 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की आवश्यकता है।
जबकि इस्कंदर सिस्टम की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। लेकिन रूस ने ईरान को जो इस्कंदर मिसाइल दी हैं, वो लेटेस्ट वर्जन की हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान को 1500 किलोमीटर तक हमला करने वाली R-500 क्रूज मिसाइलों के साथ इस्कंदर के सिस्टम दिया है, जो ईरान को जबरदस्त मिसाइल पावर दे रहा है। इस्कंदर के लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। इसके अलावा रूस का मर्मस्क PN सिस्टम ईरान को दिया गया है। इजरायली विदेश मंत्री कार्ज का साफ कहना है कि ईरान इसराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान बना चुका है, यानी ईरान अब रूसी मिसाइलों से इसराइल पर हमला करने जा रहा है। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کیوں ایران کو روسی ہتھیاروں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔145 देशों की सूची में ईरानी सेना का 14वां स्थान है, जबकि इजरायली सेना इस लिस्ट में 17वें नंबर पर आती है। अगर सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, वहीं इजरायल के पास 1,70,000। लेकिन ईरान की हवाई ताकत कमजोर है। ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, तो इजरायल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। ईरानी सेना रैंकिंग के मामले में भले ही इसराइल से आगे हो, लेकिन जमीन पर वो कमजोर ही नजर आती है। कुछ महीनों पहले ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया था तो उसकी 99% मिसाइलों को आयरन डोम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया था। ईरान ने इसराइल पर तब 300 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे थे, लेकिन इससे इसराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। अब ऐसी हालत में पुतिन ने जिस तरह से ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, उससे अमेरिका और इजरायल को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि खबर ये भी है कि ईरान अपने दम पर परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल कर चुका है।